ही शुभ काम। तो देखिए लोग आते जा रहे हैं और आज मंगलवार है, आज पेशी चढ़ने का दिन है और विदेश से लोग आ रहे हैं पेशी चढ़ाने। और ये देखिए कितने आते जा रहे हैं लोग, जाते जा रहे हैं। और आज मंगलवार है तो 4 बजे तक हम लोग यहाँ बहुत सारी भीड़ रहेगी धाम पे। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, गांव के बाहर भी खड़ी हुई हैं इतनी सारी गाड़ियाँ। तो मैं आज आपको बालाजी सरकार के दर्शन करवाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कितनी सारी भीड़ होती है मंगलवार के दिन। गाड़ियों का सैलाब पूरा उमड़ा हुआ है, देखिए पूरी कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। और देखिए यहाँ पे देश के कोने कोने से लोग अपनी तकलीफें लेके आते हैं यहाँ पे, और उनकी तकलीफ उनकी अच्छे से भी बदल जाती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बाबा कृष्ण धाम की। तो देखिए अभी धाम आने ही वाला है, ये सामने रूम दिख रहा है, यहाँ पे हमारे बागेश्वर महाराज जी बैठते हैं और वो मंदिर है ये जो भगवे रंग में दिख रहा है। तो चलिए मंदिर की ओर चलते हैं क्योंकि परिक्रमा लगानी पड़ती है ना किस, तो चलिए मंदिर की ओर चलते हैं। जय माता जी। अब हम लोग आ गए हैं मंदिर के पास और अब हम चलते हैं परिक्रमा लगाने। चलिए चलते हैं। आओ आओ, भीड़ है भाई। धन्यवाद, भगवान करे खूब चले। हाँ बिल्कुल, वाह एंड चले। बस तो जाए पेशी करो लगातार। बात करने से कृपा नहीं होती। बागेश्वर सरकार की जय। बालाजी कृपा करेंगे। बालाजी कृपा करेंगे, शो कर लो अर्जी लगवाओ। चलो बेटा, अर्जी करने का मतलब पर्चा बनना होता है, पर्चा बनवाने पड़े, पर्चा बनवा अर्जी का बेटा। अब उनको ऐसा मतलब बने दो, मैं बने दो। तो ये जो आपको मेरे पीछे दिख रही है, ये आज पूर्णा है और यहाँ पे आपको प्रसाद खाने मिलता है। यहाँ से आज तक कोई भूखा नहीं गया है और यहाँ पे आज 20,000 लोगों के खाने की व्यवस्था है।
आज के दर्शन। हमने नहीं बचाया, बागेश्वर बालाजी ने बचाया। पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी, बात हुई, तो
तो उस समय से जुड़े, उस समय हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। आपको समस्या क्या थी? मेरी दोनों किडनी खराब हो गई थी, बिल्कुल ट्रांसप्लांट होना था और लीवर में भी दिक्कत आ गई थी। तो महाराज जी से जब मिले तो महाराज जी ने जब हमको बताया कि आपको कुछ नहीं है, आप तो बिल्कुल सही हैं, जबकि डॉक्टरों की रिपोर्ट में सब खराब था। तो यहाँ धाम पे उन्होंने कहा आप आइए, और धाम पे जहाँ से हमने परिक्रमा लगाई दो ही महीने के अंदर बिल्कुल पूर्ण आराम मिल गया था और बराबर उन्हीं की सेवा में लगी हुई है। आपको क्या क्या बीमारी थी और आपने कहाँ दिखाया था और आपको ये कैसे पता चला कि आपको आराम मिल चुका? मेरी क्या है, किडनी की शिकायत थी, पेट दर्द होता था बहुत ज़्यादा। तो हमने सबसे पहले झांसी में सेंगर डॉक्टर को दिखाया, वहाँ से कुछ भी आराम नहीं मिला। तो उन्होंने चेक किया, 39 हमारा 15 के आसपास हो गया था और डायबिटीज भी 400 से कम होती नहीं थी, 400 रहती थी। और चश्मा भी लगता था हमें, -1.5 का लगता था, लेकिन यहाँ से कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली में हम भर्ती रहे लेकिन वहाँ भी कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद हमारा नडियाड में बात हुई, नडियाड गुजरात में, वहाँ ट्रांसप्लांट होना था हमारा 16 दिसंबर को। महाराज जी से हम 12 दिसंबर को मिले, महाराज जी बोले आपको कुछ नहीं है, आप आइए धाम पे आइए, हम भागवत हो रही थी वहाँ देरी रोड पर। तो उन्होंने महाराज जी ने कहा आप धाम पे आइए, वहाँ मिला। तो महाराज जी ने जैसे देखा तो तुरंत पर्चा बना दिया हमारा। पर्चा बनाने के बाद महाराज जी बोले आप 21 मंगल को आइए। हम 2-3 मंगल 4 मंगल आए, हमारे बहुत आराम मिलने लगा। हमने फिर 39 चेक करवाया तो हमारा 7-8 आ गया था 15 से। उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया कि भाई ये 39 सही है कि नहीं, तो बोले नहीं ये गलत है, आपका तो ट्रांसप्लांट होगा, डॉक्टर सेंगर बोले। तो हमने फिर से इसको, हमने कहा आप चेक करवाइए, तो उन्होंने चेक करवाया तो देखा कि 7-8। तो उन्होंने देखा कि आश्चर्य हुआ कहाँ से। तो फिर हमने कहा सब बब्बा जी की शक्ति है, बब्बा जी के द्वारा हुआ है। और धीरे धीरे 3-4 महीने में लगातार हमारी 7-8 तैसी होने के बाद पूर्णतया आराम हो गया है। अब भगवान के लिए केवल उन्हीं के लिए जीवन जी रहे और बिल्कुल स्वस्थ हैं। इनके जैसे कई लोग आए, उनने भी अपने जीवन की आशा छोड़ दी थी, पर उनको यहाँ से एक उनके जीवन में बदलाव आया, तो उनने अपनी पूरी जिंदगी अपने धाम पे इनने अपनी समर्पित कर दी। जय श्री राम, जय बागेश्वर।